को पायल गलती से भी किसी गलत हाथों में नहीं पड़नी चाहिए। और पता नहीं दिल को इतना अजीब सा क्यों लग रहा है, समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या है जो सही नहीं हो रहा और मुझे पता भी नहीं है। मिलना है तुमसे आज रात गार्डन में। ऐसा कौन हो सकता है जिसे मुझसे मिलना है? ये सब किसने, कहीं ऋषभ ने तो नहीं? ऋषभ क्या हो गया आपको? ऋषभ आंखें खोलिए, उठिए ऋषभ उठिए, क्या हो गया आपको ऋषभ उठिए प्लीज, ऋषभ प्लीज, ऋषभ रुथो। अरे प्रथा, ऋषभ प्रथा, क्या हो गया तुम्हें? मैंने, अगर आप यहाँ हैं तो वहाँ कौन है? वहाँ क्या हो गया प्रथा, कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर? ऋषभ मैंने देखा आप मर, आपकी सांसें नहीं चल रही, मैंने देखा था ऋषभ। जस्ट काम डाउन, एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, आओ आराम से बैठो, लो पानी पियो। ऋषभ मैंने देखा था, कोई तो है, कोई है जो हमें देख रहा है, किसी की नजर है हम पर ऋषभ। प्रथा पर यहाँ कुछ भी नहीं है, देखो तुम डरो मत, ये सब बस तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। जो भी हमारे साथ होगा सब अच्छा होगा, कुछ गलत नहीं होगा, देखना तो। और हमने इतने वक्त से टाइम स्पेंड नहीं किया था एक साथ, तो मैंने सोचा एक छोटा सा सरप्राइज प्लान करता हूँ, तो एक छोटा सा डिनर प्लान किया था हमारे लिए। खैर तुम ये सब छोड़ो, तुम जाकर फ्रेश हो कराओ, मैं तब तक डिनर रेडी करता हूँ, ठीक है? मैं सच में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ क्या? कल प्रार्थना की शादी है और मैं ये सब। सही बोल रहे हो तुम प्रथा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। कल तुम्हारी बेटी की शादी है, यानी कि मेरी भांजी की, और भांजी की शादी में आके मासी कोई धमाल ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कली प्रार्थना की नौमणियों की शक्तियां जागृत हो जाएगी, कली वो महापूजा और कली वो महाशेष नागिन बन जाएगी। बस शिवशी से यही विनती है कि अब प्रार्थना की जिंदगी में और कुछ गलत ना हो। कितनी बेवकूफ है ना मेरी बहन, ये जो सोचती है हमेशा सच हो जाता है। अब देखो ना, इसको लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन ये इतनी इमोशनल है कि इसको समझ नहीं आ रहा कि क्या गलत होने वाला है, और इसको तब तक समझ नहीं आता है जब तक वो गलत हो नहीं जाता है। ये अपने दुश्मन को इधर उधर ढूंढ रही है जबकि इसका दुश्मन इसकी आंखों के सामने खड़ा है। वहां कोई है, कौन है?
सीमा, उर्वशी, ये दोनों जिंदा है? किससे बात कर रही है दोनों? कौन है वह? महक? इससे पहले कि प्रार्थना उन नौ मणियों की शक्तियां जागृत करे, हमें उस पे वार करना होगा। इस दिव्या पायल की शक्ति से, उसकी शरीर से उसकी जान निकालनी होगी और वो नौ मणियां भी। एक बार वो नौ मणियां मेरे हाथ लग जाए, जो प्रथा चाहती थी ना कि उसकी बेटी को मिले, तब मेरे पास इतनी शक्तियां होगी कि कोई मुझे हरा नहीं सकता। तुझे क्या लगता है कि तू प्रार्थना के सामने जाकर खड़ी हो जाएगी और उससे वो नौ मणियां मांगेगी तो वो हंसते हंसते खुशी खुशी वो मणियां तुझे दे देगी? नहीं, तुझे कोई साजिश रचनी होगी। साजिश तो कायनात रचेगी। प्रार्थना को उन नौ मणियों की शक्ति तभी मिलेगी जब पूरे चांद की गुलाबी रात होगी। और कल प्रार्थना की शादी का मुहूर्त भी है और उन नौ मणियों को जागृत करने का भी कल ही मुहूर्त है। पर इस बेचारी को ये नहीं पता कि कल उसकी जिंदगी में उसकी शादी का गुलाबी रंग नहीं चढ़ेगा, बल्कि उसके खानदान की खून का लाल रंग चढ़ेगा। पहले मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, इतने सालों तक मेरी बेटी को मुझसे दूर रखा और अब मेरी जिंदगी में वापस आ गई है मुझसे मेरी बेटी को वापस छीनने। नहीं, इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। महक, तुम्हें जो भी करना था तुम कर चुके। अब अगर तुम्हें मेरी बेटी तक पहुंचना है तो उससे पहले तुम्हें उसकी माँ का सामना करना पड़ेगा, मेरा सामना करना होगा। और मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी। ये एक माँ का वादा है। मैं महा शेषनागिन बनने वाली हूँ, पर क्या मेरी शक्तियों के वजह से रुद्र की जान को खतरा हो सकता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देखो, हॉल को अच्छे से डेकोरेट करना, जैसे समझाया बिल्कुल वैसे ही डेकोरेट करना है, ओके? आफ्टर ऑल ऋषभ गुजराल की बेटी की शादी है। यस सर। इससे पहले कि प्रार्थना उन नौ मणियों की शक्तियां जागृत करे, हमें उस पे वार करना होगा कि कल उसकी जिंदगी में उसकी शादी का गुलाबी रंग नहीं चढ़ेगा, बल्कि उसके खानदान की खून का लाल रंग चढ़ेगा। डोंट वरी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिस चीज की उन्हें तलाश है वो उनको मिल जाए। जय हिंद। जय हिंद। वेलकम मिस्टर राजीव दीक्षित। कम प्लीज। थैंक यू। आज आप बहुत ही खास मौके पर आए हैं क्योंकि आज मेरी बेटी की शादी है। अब रुद्र, इधर आना। जी सर। रुद्र। हाँ जी सर। इनसे मिलो। ये है मिस्टर दीक्षित, सीनियर पुलिस ऑफिसर जो ढूंढ रहे हैं मारिच को। मारिच बेसिकली एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है जो दो मर्डर करके फरार है, और उसी केस के सिलसिले में मिस्टर दीक्षित यहाँ पर। ये मारिच वही है जो काफी दिनों से मीडिया में भी चर्चे में चल रहा है। इसकी खासियत ये है कि ये हैट और ट्रेंच कोट पहनकर शहर में कहर मचाता है।
And this is Rudra, mera hone wala damad. Nice to meet you. Very passionate about his work. Ye bhi aap hi ki tarah investigation journalism mein bahut interest rakhta hai. That's good to know. Thank you, sir. Please have a seat. Thank you. मुझे मेरी टीम ने बताया था कि मारिच की नगरी मुंबई के अंदर मर्डर हुए हैं और उसी के सिलसिले में आप यहाँ आने वाले हैं। सही बताया, लेकिन फिलहाल इस वक्त तो मैं आपकी पत्नी की तलाश में आया हूँ। Just kidding. वैसे मिसेस गुजराल और आपकी बेटी नजर नहीं आ रहे। बेटी की शादी है तो वो तो रेडी हो रही होगी, और मेरी वाइफ वो रही, उसे लेकर आता हूँ। प्लीज आप सर। प्रथा, क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? प्रथा, क्या हो गया तुम्हें? क्या सोच रही हो? फिर से कोई बुरा सपना देखा या कोई बुरा ख्याल? अब समझा, बेटी की शादी हो रही है तो घर छोड़कर चली जाएगी दूर हमसे, तो इसीलिए थोड़ी अपसेट हो रही हो। अच्छा देखो ना, मिस्टर दीक्षित कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, एक बार मैं हूं ना। मिस्टर दीक्षित। नमस्ते। आप ठीक तो है ना? दरअसल इसको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा आने वाला है जिसने कुछ साल पहले हमारी फैमिली को कुछ चोट पहुंचाई थी, बट दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज़ शी इज डेड। लेकिन अगर इन्हें ऐसा लग रहा है तो ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि आग के बगैर धुआं नहीं उठता। यू राइट। तो ठीक है, आप बात कीजिए, मैं अभी आता हूँ। रुद्र। मिसेस गुजराल, आप जो कुछ भी महसूस कर रही है ना, उसे और महसूस करने की कोशिश कीजिए, और ये जानने की कोशिश कीजिए कि जो कुछ भी आपको लग रहा है वो सच है या झूठ। मैं जानती हूँ मुझे जो लग रहा है वो सच है, बस समझ नहीं आ रहा है कि अपने पति को ये बात कैसे बताऊं, राइट? मिसेस गुजराल, आपको देखकर इतना तो समझ में आ रहा है कि आपको कातिल मिल गया है, बस मुद्दा ये है कि उसे रंगे हाथों पकड़ कर अपने परिवार को उससे कैसे बचाए, है ना? इन माय ओपिनियन, आपको आपके पति का सपोर्ट मिल जाएगा, और वैसे भी अपने पति से सपोर्ट मांगने की जरूरत कहाँ होती है, सिर्फ हाथ बढ़ा के सपोर्ट ले लिया जाता है। बस एक बात का ध्यान रहे कि वो कातिल, वो शैतान, जो कुछ भी है वो आपको चारों तरफ से हमला करेगा। सो बी सेफ एंड बी केयरफुल। सॉरी, मुझे निकलना होगा। मिस्टर दीक्षित, अब आप आए हैं तो शादी अटेंड करके जाइए ना प्लीज। कर लेता, लेकिन मुझे डिपार्टमेंट से कॉल आया तो अर्जेंटली निकलना पड़ेगा। I'm sorry. I understand. लेकिन अगर आपको मेरी या मेरी टीम में से किसी की भी जरूरत पड़े तो प्लीज बता दीजिएगा। बिल्कुल। वैसे भी मेरे लिए सब सस्पेक्ट्स हैं, और मैं जानता हूँ कि वो असली खूनी मेरे बहुत करीब है, और बहुत ही जल्द मैं उसे एक्सपोज कर लूंगा। वैसे इस केस के बारे में ज्यादा जानना हो, इन सस्पेक्ट्स के बारे में ज्यादा जानना हो, उस मारिच के बारे में ज्यादा जानना हो, तो इस सब का पर्दाफाश होगा 9 दिसंबर को। सारे राज खुल जाएंगे जब सबके चेहरे नजर आएंगे और सबके राज खुल जाएंगे। मिस्टर दीक्षित, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर केस। थैंक यू, और आपको भी, रुद्र और प्रार्थना की हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। आप यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आइए सर, मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। थैंक यू। ऋषभ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कुछ बताना है। बताओ। वो वापस आ गई है। कौन वापस आ गई है? महक। महक वापस आ गई है। मेरे साथ चलो, उधर चल के बात करते हैं। अब बताओ साफ साफ क्या बात है। मैंने देखा था उसे, और सिर्फ वही नहीं, उसके साथ साथ उर्वशी और सीमा भी वापस आ गई है। वो प्रार्थना की जान लेके उसे वो 9 मणियां हासिल करना चाहती है। इसका मतलब तुम्हारा शक सही निकला प्रथा। हाँ ऋषभ, नानी की वो दिव्य पायल अब महक के पास है। महादेव के घुंघरुओं से बनी है वो पायल, बहुत शक्तियाँ उनमें। शेष नागिन होके भी प्रार्थना उन शक्तियों से नहीं लड़ पाएगी। प्रार्थना को अपने अंदर की 9 मणियों की महाशक्तियाँ जागृत करनी होगी। सिर्फ महाशेष नागिन बनके ही वो महक से लड़ पाएगी, उससे पहले नहीं।
डोंट वरी प्रथा, जब तक हम दोनों साथ हैं हम हमारी बेटी को कुछ भी नहीं होने देंगे। ऋषभ, मैं अपनी एक बेटी खो चुकी हूँ, दूसरी बेटी को नहीं होना चाहती, आपको नहीं खोना चाहती। आप ही तो एक है मेरा सारा, आपके बिना लगातार सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो गया है। और एक नई मुसीबत आ गई, ऐसा क्यों होता रहता है? थक गई हूँ मैं इन मुसीबतों से लड़ते लड़ते। मुझे बस एक साधारण जिंदगी चाहिए, अपनी बेटी की खुशी चाहिए, आपकी खुशी चाहिए। क्यों नहीं मिलती मुझे? मिलेगी प्रथा, जरूर मिलेगी। साधारण जिंदगी, हमारी खुशी, हमारी बेटी की खुशी, सब मिलेगी। जब तक हम दोनों साथ हैं हम अपने परिवार को कुछ नहीं होने देंगे। ये महक आ गई तो क्या फर्क पड़ता है, वो हमारे परिवार का कुछ भी नहीं कर सकती। ये नामुमकिन है ऋषभ, जब तक प्रार्थना अपने अंदर के 9 मणियों की महाशक्तियाँ जागृत नहीं करती तब तक। ठीक है प्रथा, सबसे पहले हम प्रार्थना के अंदर मणियों की शक्ति को जागृत करवाएंगे। मैं कभी तक नहीं जानती कि हमें पता चल चुका है कि वो वापस आ चुकी है, तो वो हम पर जरूर वार करने की कोशिश करेगी जब उसकी विधि चल रही होगी। तो क्यों ना हम ये पूजा विधि के पहले ही शुरू कर दे, जैसे ही चंद्र निकलेगा। हाँ प्रथा, ऐसा ही करना होगा। पहले हम मणियों की विधि पूरी करेंगे, महापूजा करेंगे, और उसके बाद शादी की विधि। ठीक है, तो मैं नागराज तक्षक को कहती हूँ कि वो प्रार्थना के साथ मिलके महापूजा की तैयारी करे, और जब तक ये पूजा पूरी नहीं हो जाती तब तक हम मिलकर प्रार्थना और उन 9 मणियों की रक्षा करेंगे। और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें और हमारी बेटी को कुछ भी नहीं होने दूंगा प्रथा, आई प्रॉमिस यू। और अगर अपनी बेटी प्रार्थना के लिए मुझे जान भी देनी पड़े ना, तो हंसते हंसते दे दूंगा। ऋषभ प्लीज, आप ऐसे मरने की बातें मत कीजिए, अभी तो साथ जीना है हमें। प्रथा, जब तक जिंदा हूँ तुम्हारे साथ हूँ, और अगर मौत आए तो भगवान करे तुमसे पहले मुझे आए। महादेव आपसे पहले मुझे ले जाए, क्योंकि आपके बिना तो एक पल भी नहीं जी सकती मैं। हमारी बातें हम बाद में करेंगे, पहले हमारी बेटी प्रार्थना को बचाना बहुत जरूरी है। हमारी जान को हम बचाएंगे, हम प्रार्थना को कुछ नहीं होने देंगे। माँ ने अचानक मुझे पूजा के लिए क्यों भेज दिया? प्रार्थना, इस पूजा में बैठने से पहले अपने मन को शांत करो। नागराज तक्षक को शेषनागिन का प्रणाम। इस महापूजा में बैठने के लिए तुम तैयार हो ना प्रार्थना? इस पूजा के बाद उन 9 मणियों की शक्तियां जागृत होगी जो तुम्हारे अंदर समाहित है, और उनके जागृत होने के बाद तुम शेषनागिन से महाशेषनागिन बन जाओगी। तुमने मुझे मार दिया प्रार्थना, मार दिया। मुझे ये सब नहीं चाहिए था, मुझे बस एक साधारण जिंदगी जीनी थी। तुम्हारी भावनाएं समझ सकता हूँ मैं प्रार्थना, लेकिन ये जिंदगी है, जो हम सोचते हैं चाहते हैं वो नहीं होता, होता वही है जो नियति को मंजूर है। और नियति के अनुसार इन 9 मणियों ने तुम्हें चुना है, तो तुम्हें भी इनकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अभी तो अपने पापा को खोते खोते बची हूँ मैं, अपने प्यार को नहीं खोना चाहती। तुम चाहो ना चाहो प्रार्थना, ये तुम्हारी किस्मत है जो तुम्हें इस रास्ते पर लेकर आई है, और इस रास्ते में तुम्हारे पास 9 मणियां हैं, यानी कि 9 ब्रह्मांड, 9 कुदरत, 9 कायनात। अब तुम पीछे नहीं हट सकती। और अगर इन जिम्मेदारियों की वजह से मेरे अपनों की जान पर बन आए तो उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? आप चाहते हैं कि मैं ये जिम्मेदारियां उठाऊं ना, तो ठीक है मैं उठाऊंगी, और उसके बदले में आपको मुझे एक वरदान देना होगा। कैसा वरदान? चाहे जो भी हो जाए, मेरे प्यार को कुछ नहीं होना चाहिए। प्रार्थना, तुम मेरे सामने ऐसी कोई शर्त नहीं रख सकती। क्यों नहीं रख सकती? आप देने वाले हैं, मैं लेने वाली हूँ। आपका हाथ हमेशा से मेरे ऊपर ही रहा है। अगर आपके भक्तों को कुछ चाहिए होगा तो वो आपसे ही मांगेंगे ना, तो आज एक नागिन आपसे मांगती है। तो आप मेरी इच्छा क्यों नहीं पूरी कर सकते? कर सकते हैं, और आप मेरी इच्छाएं पूरी करेंगे। अब आप इसको मेरी जिद मान लें या मेरे पति के लिए मेरा अटूट प्यार, पर आपको मुझे वरदान तो देना ही होगा। और जब तक आप मुझे वरदान नहीं देते तब तक मैं आपके सामने ही खड़ी रहूंगी। ठीक है, अगर यही तुम्हारी जिद है तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं प्रार्थना, तुम्हारे सुहाग को कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन तुम्हें पता भी है प्रार्थना, तुमने मुझसे क्या मांगा है? जानती हूं,
कुछ गलत नहीं मांगा है, अपने पति की लंबी उम्र मांगी है। कुछ नहीं पता तुम्हें प्रार्थना, लेकिन तुमने जो मांगा मैंने दिया। अब ये याद रहे, आज गुलाबी पूर्णमासी की चांदनी रात है और आज ही हमें महापूजा संपन्न करनी है, इसलिए इस वक्त हम इस मुहूर्त को नहीं गंवा सकते और जब तक ये पूजा पूर्ण नहीं हो जाती तब तक कोई भी बीच में आकर इस पूजा में विघ्न न डाले। आओ बैठ। प्रथम मैम, प्रार्थना कहें, नीचे मेहमान आने लग गए मैम। वो नहीं आएगी। मतलब? रुद्र, कुछ देर के लिए तुम भी यहाँ से चले जाओ, यहाँ बहुत खतरा है। पर कैसा खतरा मैम? उर्वशी और सीमा दोनों ही जिंदा है और मेरी बहन जो कुछ साल पहले हमारे लिए मर चुकी थी वो भी वापस आ गई है। ये तीनों ही वापस आ गई है रुद्र, तो इससे पहले कि वो हम पर हमला करे मैंने प्रार्थना को महापूजा के लिए भेज दिया है, क्योंकि इस लड़ाई में हमें उसकी शक्तियों की बहुत जरूरत है। इसलिए तुम्हें भी कह रही हूँ, यहाँ से कुछ देर के लिए चले जाओ। नहीं मैम, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर रहकर आपकी मदद करूँगा। प्रार्थना के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ मैम। पर तुम्हारी जान को भी खतरा है। मेरी जान तो अब प्रार्थना ही है मैम, जब उसी की जान खतरे में है तो फिर अपनी जान का क्या डर मुझे। तुम और प्रार्थना दोनों ही बहुत जिद्दी हो, कुछ भी करके अपनी बात मनवा ही लेते। ये लीजिए पंडित जी। पंडित जी सब कुछ आ गया ना, किसी चीज की कमी तो नहीं? जी नहीं। ओके। वो प्रार्थना की जान लेके उससे वो 9 मणियां हासिल करना चाहती है। और रुद्र विराज कन्या को जल्दी बुलाइए। प्रथा चाची प्रार्थना को लेके आती ही होगी। ये अचानक लाइट कैसे चली गई? स्वागत नहीं करोगे हमारा? ये क्या ऋषभ, तुम्हारी बेटी की शादी है, तुमने मुझे नहीं बुलाया? खैर चढ़ो, मासी हूं, आशीर्वाद देने तो जरूर आऊंगी ना। तुम मुझे बुलाओ या ना बुलाओ, हम तो बिन बुलाए मेहमान हैं। मैं तुम्हारे इरादे में अच्छे से जानता हूँ, जस्ट लीव फ्रॉम हियर। तुम बिल्कुल नहीं बदले ना ऋषभ, वही चस्पा, वही डेयरिंग, इस पे तो हम जान छिड़कते हैं। प्लीज अब आप कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए। लास्ट टाइम क्या हुआ था आपको याद है ना? हमें सिखाएगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? इतनी जल्दी दल बदल दिया तूने अपना। हाँ बदल दिया, क्योंकि आप गलत लोग हैं और गलत लोगों का क्या अंजाम होता है मैंने अपनी आंखों से देखा है। Really? हाँ, मैं भी समझ गई हूँ, अब भी वक्त है आप भी बदल जाइए।
जस्ट शराब निकल यहां से। इतने सालों बाद इस घर के अंदर मैं आई हूं, बड़ा मजा आ रहा है। इसका नशा ही कुछ और है। दूल्हा भी आए और पंडित भी आए, दुल्हन कहाँ है? आगे बढ़ने की सोचना भी मत। तू मुझे रोकेगा? चल रोक के दिखा। समझ में नहीं आ रहा क्या? यहां शादी का मुहूर्त हो रहा है और दुल्हन को लेके आना है, कहीं मुहूर्त ना बीत जाए, है ना पंडित जी? हे शिव जी, मेरी प्रार्थना को बचा लेना, उसकी ये पूजा पूरी होने देना। वाओ, क्या बात है, वही आंखें, वही चेहरा, वही रंग रूप, कुदरत का भी क्या कमाल है। अभी तुझे मारना मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि कायनात ने तुम्हें वो चेहरा दिया है जिससे मैं सख्त नफरत करती हूँ। चलो, तुझे मारने से पहले कुछ हाय हेलो कर लेते हैं। मैं महक हूँ, तुम्हारी मासी। तुम्हारी माँ ने तो जरूर बताया होगा ना मेरे बारे में। हाँ, बताया आपके बारे में, आपका नाम, आपका काम, आपके बुरे इरादे, सब कुछ बताया। मैं एक मासी, बेहतर यही होगा अगर आप यहाँ से चले जाए। कितनी भोली हो तुम, तुमने सोच भी कैसे लिया कि वो नौ मणियां लेने के बिना मैं यहाँ से चले जाऊंगी? लाओ, मुझे वो नौ मणियां दे दो और मैं यहाँ से चले जाती हूँ। कभी नहीं। ओहो, कोई बात नहीं, वो नौ मणियां निकालना मुझे अच्छी तरह से आता है। ये खंजर दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये कोई साधारण खंजर नहीं है, इसमें तुम्हारी परनानी की दिव्या पायल की शक्तियां हैं। इससे नागिन तो क्या, शेष नागिन भी नहीं बच सकती। और इससे मैं तुम्हें मारूंगी और वो नौ मणियां निकालूंगी। ये क्या हुआ, ये खंजर लगाने के बाद भी वो नौ मणियां बाहर नहीं निकली, ऐसे कैसे हो सकता है? तो प्रार्थना नहीं, प्रथा है ना? क्या बात है प्रथा, तू आज भी नहीं बदली। हाँ, आज भी तूने अपनी चाल चल दी। प्रार्थना की जगह तू खुद यहां बैठ गई, और प्रार्थना को तुमने वहां भेज दिया नौ मणियों की शक्तियां जागृत करने के लिए ना? कितना टाइम वेस्ट किया तूने मेरा। Bye.
उर्वशी, उर्वशी से प्रार्थना माँ पूजा करने गई है, वो यहीं कहीं से घर में होगी। मंत्रों की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है, जाओ उसे ढूंढो, उसे रोको। सारे कमरे तो देख लिए, ऐसा कौन सा कमरा है इस घर में जो मेरी आंखों ने अभी तक नहीं देखा? अरे हाँ, एक वो कमरा भी तो है जिसमें मैंने उस सन की शक्ति को कैद करके रखा था। आगे मत बढ़ना, वरना गोली मार दूंगा। तू हट जा मेरे रास्ते से। देख, तुझसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तू बीच में मत आ, वरना बेमतलब तू अपनी जान से जाएगा। जान से तो वो जाएगा जो मेरी प्रार्थना के करीब भी आएगा। अच्छा तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो पहली बोनी लगा लेते हैं तेरी जान से। रे समझाया था ना, नहीं समझा, चल अब हट। देख लिया, अगली तेरी बेटी की बारी है। महक, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, मेरी बेटी से दूर रहो। मेरी लड़ाई सिर्फ तुमसे नहीं है, पूरे नागवंश से। वो तुम्हारी बेटी प्रार्थना, वो तो नागवंश की कर्ता धर्ता है। तो देखा जाए अब मेरी सबसे बड़ी दुश्मन तेरी बेटी है। आज तुम्हारे सामने एक नागिन नहीं, एक बहन नहीं, एक माँ खड़ी है। और मेरी बेटी को तुमने कुछ किया ना तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या कहा था तुमने? ये कोई मामूली खंजर नहीं, ये एक शेष नागिन की भी जान ले सकता है। इसका मतलब तुम्हारी भी जान ले सकता है। आप अंदर नहीं जा सकती। तू रोकेगा मुझे? भूल गया ऋषभ, सालों पहले मैं तेरी माँ थी। मेरा मतलब है कि माँ बनने का खेल खेला था मैंने, अच्छा खेला था ना? जरा सोच, तेरी ये माँ तुझ जैसे बेटे को अपने इशारों पर नचा सकती है तो वो कितनी जानलेवा होगी ना। आप क्या हैं क्या नहीं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बस अंदर मेरी बेटी के पास नहीं जा सकती। अच्छा, मतलब ये कि तू मेरे रास्ते का कांटा बनेगा। लेकिन तुझे ये नहीं पता बेटा कि तेरी ये जो माँ है ना, वो कांटे को काटने में बहुत ही कटीली है। चल हट मेरे रास्ते से, छोड़ मेरा हाथ, छोड़ शब नए। सीमा को रोकेगा? हाँ, या मुझे रोकने वाला?
मुझे, मैंने कहा छोड़, छोड़ मुझे। ऋषभ बाप, हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाइए। अपनी बेटी को मैं आपको हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। जाइए और कभी लौट कर वापस मत आना। ठीक है चीते जी, मैं वहां तक नहीं जा पाऊंगी ना, लेकिन तुझे मारने के बाद तो मैं वहां जा पाऊंगी। लेकिन तेरी जो बेटी है ना प्रार्थना, उसे तो वो मैं पूजा करने से जरूर रोकूंगी। कमरे में जहां हमने शक्ति को कैद करके रखा था, वो वहां पूजा कर रही है। जाओ। नहीं, हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। तुम दोनों को मारा तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। महापूजा संपन्न हुई प्रार्थना, अब उन 9 महामणियों की महाशक्तियां तुम्हारे अंदर समाहित हैं और इन्हीं महाशक्तियों ने तुम्हें बनाया है महाशेषनाग।